नमस्ते दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक फार्मा वैकेंसी लेकर आ गए हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और बॉल वाले घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज की जो वैकेंसी है, वैकेंसी फॉर फार्मेसी ग्रेजुएट 9 पोस्ट एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेड KAPL। KAPL क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, KAPL ये कर्नाटका एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है। ये बेंगलुरु में लोकेटेड है और मैं इस लोकेशन पे खुद ही गया हूँ। काफ़ी अच्छी है, बहुत बड़ी कंपनी है कर्नाटका एंटीबायोटिक। ये बेंगलोर में आपका पड़ता है, मैंने एक बार विजिट भी किया है यहाँ पे कर्नाटका एंटीबायोटिक पे। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत शानदार सैलरी देती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो यहाँ से आपका टोटल 9 पोस्ट निकला है। ठीक है, अब इसको कैसे क्या अप्लाई करना है। देखिए, लोकेशन जो रहने वाला है आपका बेंगलोर में रहने वाला है, कर्नाटक की स्टेट पड़ता है। ठीक है, अब इसके लिए जो 6 पोस्ट है और इसमें 6 पोस्ट जो एरोबेट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के लिए है, ABRs के लिए है। ठीक है, एग्रोबेट डिपार्टमेंट की तरफ से है। ठीक है, इसमें कि 6 पोस्ट रहने वाला है, इसमें SC के लिए 1, OBC के लिए 1, अनरिजर्व के लिए, ठीक है, 4 पोस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, इसमें किसी का अगर लग गया तो समझ लो फिर लाइफ सेट है। अब देखिए, आपका एज वगैरह आपको 28 साल से कम ही होना चाहिए और यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर 22,000 होना चाहिए। बाकी का इसे अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको नीचे जाके एक फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उसको आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा और फॉर्म के बाद आप जितनी भी डिटेल्स हैं इस पर आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कर्नाटका एंटीबायोटिक का फॉर्म कुछ ऐसे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कर्नाटका एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, यहाँ पे फॉर्म प्रोसीजर में आप सब कुछ नॉर्मल है, आप इसे फिल कर सकते हैं। बाकी का कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।